हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में गजब की जानकारी। बृहस्पति ग्रह सूर्य से पांचवा और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे गैस का दानव भी कहते हैं। पीले रंग के इस ग्रह को अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति ग्रह 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन, वाटर, अमोनिया और चट्टानी कणों से मिलकर बना हुआ है। इस ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। यह पृथ्वी को विनाशकारी हमलों से बचाता है। बृहस्पति बहुत ही ठंडा ग्रह है। इसका एवरेज तापमान -145 डिग्री है। बृहस्पति ग्रह पर कोई जमीन नहीं है। यह पूरी तरह गैस के बादलों से बना हुआ ग्रह है। जुपिटर ग्रह से सबसे पुराने ग्रहों में से एक है। जुपिटर के जरिए पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पता लगाया जा सकता है। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 11 गुना भारी और इसका द्रव्यमान 317 गुना ज्यादा है। बृहस्पति हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि यदि शेष सभी ग्रहों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वह संयुक्त ग्रह भी बृहस्पति से छोटा ही रहेगा। अगर धरती का आकार 1 मीटर जितना कर दें तो बृहस्पति इससे 300 मीटर दूर रहेगा। बृहस्पति पर पिछले 350 सालों से एक बवंडर चला आ रहा है जो कि लाल बादलों से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। चित्रों में देखने पर यह एक धब्बे की तरह नजर आता है और इसे बृहस्पति की लाल आंख भी कहा जाता है। असल में यह एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र है जिसके बादल कुछ ज्यादा ही ऊंचे हैं, आसपास के क्षेत्रों से ठंडे हैं। बृहस्पति ग्रह पर तेज हवाएं चलना आम सी बात है जिसकी वजह से ग्रह का मौसम तूफान जैसा रहता है। इसके कई क्षेत्रों में 360 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चलना आम बात है। सन 1610 में गैलीलियो जी ने सबसे पहले बृहस्पति को दूरबीन से देखा था। उन्होंने इस ग्रह के 4 सबसे बड़े उपग्रहों आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो की खोज की थी। इन उपग्रहों को अब गैलीलियन उपग्रह कहते हैं। बृहस्पति ग्रह का यूरोपा उपग्रह काफी खास है क्योंकि सभी वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यूरोपा पर एक विशाल पानी का समुद्र है जिसकी गहराई 100 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, जुपिटर के बारे में रोचक बातें जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।